इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा, पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है, और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, और मूड फ्रेश होने की बजाय मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है। जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है सोशल मीडिया चलाने में, माइंड के पास में जब भी चॉइस होती है कि या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है, ये देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है और इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये निकल करके आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज़ करेगा ना जिसमें उसको मज़ा आता है, और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में आता है। आप ही कैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे, लेकिन आज तो आप सब सेम लेवल पर हो, तो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास में हर दिन चॉइस होती है, चूज़ भी आप ही को करना होता है कि या तो वो काम कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम कर लो जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जिसमें मज़ा आता है। और जैसे जैसे आप चूज़ करते चले जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए तो जहाँ पर वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ, एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। अपने आप को ये बात समझाओ कि मैं उन चीज़ों से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पे मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल पेन से बचने के लिए, जबकि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरह तपना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने में कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो, और जब हमारे पास में चॉइस होती है कुछ करने की तो वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम तुम करो उसमें जी जान लगा देना, और कहो खुद से कि कर होगा एक दिन, क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि 1000 लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए।